हाय फ्रेंड्स, आज सेवन चक्र हीलिंग हम करने जा रहे हैं, उसकी मेडिटेशन। ये सेवन चक्र हीलिंग से क्या होता है? इससे हमारे बॉडी के, हमारे एनर्जी पावर्स और हमारी पॉजिटिविटी में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब क्लियर होता है। उन ब्लॉकेजेस के क्लियर होने के बाद आप ये फील करेंगे इन सेवन चक्र मेडिटेशन के बाद कि आप लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जब हम बहुत ज़्यादा पैनिक होना शुरू हो जाते हैं तो आप में वो स्ट्रेंथ आएगी इस हीलिंग के बाद कि आप किसी भी सिचुएशन में को बहुत इजीली एक तो हैंडल कर पाएंगे, दूसरा उससे आसानी से बाहर निकल पाएंगे। और जिनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए सेवन चक्र हीलिंग एक बूस्ट है। दिस विल हेल्प यू इन अपनी बॉडी से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालने में, पॉजिटिविटी को लाने में, ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में। सो बहुत इफ़ेक्टिव है ये सेवन चक्र हीलिंग। एंड येस, जब फोकस करने में दिक्कत आती है किसी चीज़ पे, कोई आप टेक्निक लगा रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करने में दिक्कत आ रही है, तभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का, खुद के पावर्स को जेनरेट करने का, उसके लिए सेवन चक्र हीलिंग है। सेवन चक्र हीलिंग सेवन पार्ट्स, सेवन चक्रास कौन कौन से हैं सबसे पहले वो जान लीजिए। सबसे पहला सेवन चक्रास में जो सबसे पहले चक्र है वो है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। सबसे पहले रूट चक्र आता है, फिर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान इज सेक्रल चक्र, ठीक है। थर्ड इज मणिपुरा, सोलर प्लेक्सस चक्र। फोर्थ इज अनाहता, हार्ट चक्र। फिफ्थ इज विशुद्धा, थ्रोट चक्र। सिक्स्थ इज अजिना, थर्ड आई चक्र। सेवेंथ इज सहस्रारा, क्राउन चक्र। तो ये सेवन चक्रास हैं जिनको आज हम हील करेंगे मेडिटेशन में। हर चक्र के लिए एक ट्यून है, एक ध्वनि है, साउंड है, उसी साउंड से सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हील होते हैं। जैसे कि हम सिंपल सी जो आवाज़ निकलती है, ये आवाज़, ये जो ध्वनि है हर उच्चारण के बाद है, हर चक्र के लिए एक साउंड है। जैसे कि मूलाधार चक्र के लिए है लम, लम को हम लंबा खींचेंगे, प्रोनाउंस करेंगे साथ में, उसे बोलेंगे। सेकेंड है वाम, जो है हमारा सेक्रल चक्र, उसके लिए है वाम। फिर है राम, रम, इस तरह से। फिर यम, हम, ओम, ओम इज फॉर थर्ड आई चक्र, थर्ड आई। अहम, आह, आह, ये है क्राउन चक्र के लिए, क्राउन चक्र। सो ये सारे ध्वनियाँ हैं जो हम इस मेडिटेशन में एक साथ प्रोनाउंस करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करूँगी, साथ में करवाऊँगी, आप मेरे साथ साथ इन इस ध्वनि के साथ ध्वनि प्रोनाउंस कर सकते हैं। इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिए, कहीं पे भी एक जगह आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल आप अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे जो मेन आसन होता है, और अपने हाथ को इस मुद्रा में बनाएंगे, ये दोनों फिंगर्स ज्वाइन होंगी, इनको ज्वाइन करके ऐसे करके आप अपने नीज पे रखेंगे एंड स्ट्रेट बैठेंगे। ये जो बैक है ये स्ट्रेट होना चाहिए, नेक शुड बी स्ट्रेट, बहुत स्प्रेन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, बहुत ईजी रह के इसको स्ट्रेट रखना है। और फिर इन ध्वनियों को आइज क्लोज करके आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट के साथ हम मेडिटेशन मोड में जाएंगे। सो अब हम इस सेवन चक्र हीलिंग मेडिटेशन में चलते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. सबसे पहले हम मूलाधार चक्र, सबसे पहले हम
मूलाधार चक्र, रूट चक्र को हील करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए हम लम ध्वनि का उपयोग करेंगे, साउंड को बोलेंगे। लम 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 अब सेक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, वम 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 अब मणिपुरा सोलर प्लेक्सस चक्र, राम 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 अब अनाहता हार्ट चक्र,
इसको थोड़ी देर तक करेंगे क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। यम 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 अब विशुद्धा थ्रोट चक्र हम 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 अजिना थर्ड आई चक्र ओ
क्राउन चक्र, सहस्रारा, आह ध्वनि, अब हम इस मेडिटेशन मोड से डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके बाहर आएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Breathe in, breathe out, come back. So welcome back. हम सेवन चक्र हीलिंग मेडिटेशन से बाहर आ चुके हैं। आप लोग जब इन ध्वनियों के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमने उच्चारण किया साथ में अभी, इनको अगर और देर तक करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके और फिर आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे ध्वनियाँ जितनी भी हैं, इसको जितना ज़ोर से बोलें, आवाज़ यहाँ से थ्रॉट से आती है, उसमें हीलिंग क्वालिटी है। ये जो हम की आवाज़ जो यहाँ से निकलती है, उसमें हीलिंग, वही हीलिंग करता है, वही हीलिंग, उसमें जो साउंड है दैट हैज़ हीलिंग इफ़ेक्ट। तो उस साउंड को जितना लंबा खींच सकें, जितनी देर तक उच्चारण कर सकें, जितनी तेज़ ध्वनि निकलने दीजिए अपने अंदर से, जितना तेज़ वो ध्वनि निकलेगा, जितनी तेज़ आप इन सब चीज़ों का उच्चारण करेंगे, उतने अच्छे से हीलिंग होगी, नेगेटिव एलिमेंट्स निकलेंगे बाहर, नेगेटिविटी निकलेगी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, एंड बॉडी हील होगी। द साउंड इज़ वेरी यूज़फुल। आपने देखा है कभी हम बीमार होते हैं तो जब हम कराहते हैं तो आह आह की जो आवाज़ खुद ब खुद निकलने लगती है, वो बॉडी को किसी मेडिसिन या किसी चीज़ के हीलिंग से पहले प्राकृतिक देन है। कि हम दर्द में जब कराहना शुरू करते हैं तो वो एक तरह से हीलिंग इफ़ेक्ट करता है अंदर, वो खुद ब खुद बॉडी अपनी हीलिंग कैपेसिटी स्टार्ट कर देती है। सो ये साउंड्स इतने पावरफुल होते हैं, ठीक है। हम इनको पहचानते नहीं, इस कराहने, हम इस आवाज़ को एक कराह मान लेते हैं कि ये तो दर्द में निकल रहा है, पर वो दर्द में वो बॉडी अपने आप शुरू हो जाती है इससे पहले कि आप कुछ मेडिसिन कंज्यूम करें। सो हीलिंग इफ़ेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा है। इस मेडिटेशन को कीजिए एंड सेवन चक्रास को हील कीजिए, लाइफ को पॉजिटिव बनाइए, ओके, एंड अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।